ग्रसनी में पाचन क्या होता है, ग्रसनी में क्या पाचन होता है, क्या ग्रास नली में पाचन होता है क्या नहीं। अभी इसके पहले हमने बनाया था, एक चित्र बनाया था मानव का, जो आहार नाल हमने बनाया था। तो मानव का आहार नाल बनाने के बाद हमने बात किया था, इसमें पाचन तंत्रों की बात की थी। तो पाचन तंत्र जिसमें पाया जाता है, जो हमारे जो मुखगुहा होगा, मुखगुहा के बाद ये किसमें खुलता है, मैंने कहा था ग्रसनी में खुलता है। किसमें खुलता है, ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी जो होता है ये दो भागों में बटा होता है, आगे की तरफ होता है श्वास नली तथा पीछे की तरफ होता है भोजन नली, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, ग्रास नली भी कहते हैं। ग्रसनी जो होता है दो भागों में बटा होता है, और बीच में यहाँ पर जो होता है उपास्थि का एक ढक्कन लगा होता है, इसको हम लोग घाटी ढापन कहते हैं। क्या कहते हैं, घाटी ढापन कहते हैं, या इसको हम लोग क्या कहते हैं, ईपी ग्लैंडिस के नाम से भी जानते हैं। वो हमारा टॉपिक है, श्वसन तंत्र जब पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। तो ग्रास नली में भोजन यहाँ मुखगुहा से क्या हो गया, लुद्दी के टाइप में होता हुआ कहाँ चलाया, ग्रास नली में चलाया। कहाँ चलाया, ग्रास नली में चलाया। सो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, ग्रास नली में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, किसी ग्रास नली में किसी प्रकार का हार्मोन्स का श्रावण नहीं होता है। ग्रास नली में जो होता है उसमें श्लेष्म का श्रावण होता है। बच्चों किसका श्रावण होता है, श्लेष्म का श्रावण होता है। इसमें श्लेष्म कलाएं लगी होती है। इसमें कौन सी कलाएं, श्लेष्म कलाएं लगी होती है। कौन सा पेशी, अनैच्छिक पेशियां पाई जाती है, तभी तो भोजनवा निकलते हैं तो रुकता नहीं है। क्या आप लोग रुक लेते हैं, क्या नहीं रुक पाते, क्यों, क्योंकि उसमें अनैच्छिक पेशियां लगी होती है, उसके आंतरिक भीतरी दीवारों में अनैच्छिक पेशियां लगी होती है। और श्लेष्मा पाए जाने के कारण, श्लेष्मी कला पाए जाने के कारण इससे श्लेष्मा का श्रावण होता है। और श्लेष्मा कैसा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ है। कैसा पदार्थ है, चिपचिपा पदार्थ होता है। सो श्लेष्मा का श्रावण इसलिए होता है क्योंकि भोजन जैसे ही आएगा, भोजन आएगा और क्रमाकुंचन गति, ये क्या होते हैं, ये फैलते भी ऐसे फैलेंगे, फिर फैलने के बाद भोजन यहाँ आएगा तो फिर यहाँ पे फूलेंगे। तो ऐसे होते हुए क्या करेंगे, भोजन धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं, धीरे धीरे नहीं, जैसे ही निकलते हैं भोजन कहाँ पहुंच जाता है, वो पहुंच जाता है आमाशय में पहुंचता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम ग्रास नली का, हमने बात किया था, तो ग्रास नली क्या करता है, डायफ्राम को भेदते हुए, किसको भेदते हुए, डायफ्राम को भेदते हुए ये किसमें प्रवेश करता है, ये प्रवेश करता है, ये प्रवेश करता है आमाशय में। किसमें प्रवेश करता है, आमाशय में प्रवेश करता है, स्टमक में प्रवेश करता है, मैंने ये कहा था। तो स्टमक में भोजन आ गए, स्टमक आ गया, भोजन आ गया। पाइलोरिक स्टमक होता है, इसके तीन भाग होते हैं, मैंने इसका चर्चा किया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो ये क्या आ गया, ये आ गया भैया, किसमें, ये आ गया आपके भोजन आमाशय में आ गया। कहां से, ग्रास नली से भोजन कहां पहुंच गए, आमाशय में पहुंच गए। और यहीं पे क्या लगा होता है, यहीं पे होते हैं लीवर, क्या होते हैं, लीवर होते हैं। लीवर के बीच में क्या होता है, पित्ताशय होते हैं। और यहाँ से क्या होता है, ये फिर उसके बाद ये भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, उसके पहले स्टमक में पाचन देखेंगे। किसमें पाचन देखेंगे, स्टमक में पाचन। ग्रासनी में पाचन नहीं हुआ, ग्रास नली में पाचन नहीं हुआ। किसका श्रावण, श्लेष्मा का श्रावण। किसी प्रकार का एंजाइम है, नहीं है। तो आइए देख लेते हैं, उसके बाद पहुंच गया किसमें, आमाशय में भोजन पहुंच गया। आमाशय में भोजन जब पहुंचा तो वहां पे इसका पाचन शुरू होगा। तो ये कौन कौन सा भोजन पहुंचा, उसमें कार्बोहाइड्रेट पहुंचे, फैट्स पहुंचे, वसा पहुंचा, क्या पहुंचा, वो चीजें डिपेंड करता है पाचन की क्रिया में। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी आमाशय में। तो आमाशय की दीवारों के अंदर जो होता है, आंतरिक जो दीवारें होती है उसमें आंतरिक पित्त पाया जाता है, आंतरिक पित्त या आंतरिक गर्त पाए जाते हैं। उस गर्त में क्या होता है, उस गर्त में ही होती हैं ग्रंथियां, जिसको आप लोग जठर ग्रंथियां कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जठर ग्रंथियां कहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे टॉपिक रखा जठर ग्रंथियां, इसके बारे में पहले अध्ययन कर लेते हैं, फिर पाचन को हम समझेंगे कि आमाशय में पाचन कैसे होता है। तो जठर ग्रंथियां जो होती है इसमें जठर गर्त पाया जाता है, तो उसी में ही क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है। जठर गर्त में क्या पाया जाता है, जठर ग्रंथियां। जठर गर्त कहाँ होते हैं, तो आमाशय की दीवारों में होते हैं। कहाँ होते हैं, आमाशयों के दीवारों में, जिसमें गैस्ट्रिक पिट पाया जाता है, जिसके अंदर जठर ग्रंथियां होती है। अब जठर ग्रंथियां क्या करती है, क्या कार्य है उसका, तो जठर ग्रंथियां अगर बात कर ले हम आमाशय में, तो 3.5 करोड़ इनकी संख्या कितनी होती है, 3.5 करोड़ होती है, जो आमाशय के दीवारों के गर्त के अंदर उपस्थित होते हैं। इनका कार्य क्या है, ये जठर रस का श्रावण करती है, गैस्ट्रिक जूस निकालती है। ये जब श्रावण इनका करती है गैस्ट्रिक जूस का, तो इस गैस्ट्रिक जूस में कुछ तो पाया जाता होगा, जिसलिए इंपॉर्टेंस है, क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं, कुछ तो इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए तो हम पढ़ाई कर रहे हैं भाई। अगर ये इंपॉर्टेंस नहीं होता तो हम पढ़ते नहीं, पढ़ते भाई। तो जठर रस में क्या पाया जाता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, जठर रस में क्या पाया जाता है, श्लेष्म पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। यहाँ भी चिपचिपे की जरूरत होगी, हमेशा इसका आंतरिक दीवार गिरा रहना चाहिए। उसके बाद क्या आया भाई, HCl। HCl का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाई एसिडिक होता है, पीएच माइनस का 1 होता है, इसलिए हाईली एसिडिक होता है। अगर बाहर गिर जाए तो ये क्या होता है, जल जाएगा, लेकिन आंतरिक श्लेष्मिक दीवार होती है जो सोने की क्षमता रखता है, इसलिए जलता नहीं है।
पाचक एंजाइम क्या होता है भाई, पाचक एंजाइम का भी श्रावण करता है। पाचक एंजाइम जो होते हैं ये प्रो एंजाइम के तौर पर होते हैं। किस एंजाइम के तौर पर होते हैं? प्रो एंजाइम के तौर पर होते हैं, जो प्रोपेप्सिन और प्रो रेनिन नामक दो एंजाइम होते हैं। प्रो एंजाइम कितने